गाइस कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो है हमारा ब्लॉगिंग का सेकंड डे है और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप ब्लॉगिंग के अंदर करियर बनाना चाहते हैं तो आपको जो है बेसिकली किस टॉपिक के ऊपर जो है ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए, यानी कि कौन सी कैटेगरी, यानी जिसको हम कहते हैं निश, इसका जो है सिलेक्शन आपको कैसे करना है और कौन सी निश जो है आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है, ये स्टार्टिंग के अंदर ही अगर हम थोड़ा सा रिसर्च कर लेंगे तो ये बेहतर होगा। क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे रिसर्च तो हमारे लिए आगे चल के जो है बाद में पता चला कि जिस निश के ऊपर, जिस कैटेगरी जिसके ऊपर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो निश के अंदर जो डेफिनेटली ट्रैफिक ही नहीं है तो बेनिफिट हमें कहां से होगा, राइट। तो चीजों को कैसे चेक करना है, तो यहाँ पे जो है दो पैरामीटर तो सबसे पहले हम हमेशा जनरली यूज करते हैं। अगर आप किसी को भी पूछो कि भाई आप किसके ऊपर ब्लॉगिंग करना चाहेंगे तो सब बोलेंगे कि जो मुझे आता है वो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर करने वाला हूँ, राइट। सबका आंसर यही होगा। सही चीज है कि जो चीजें हमें सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं, जो हमारी हॉबी है उसके ऊपर हमें जो है हमेशा ब्लॉगिंग करनी चाहिए। अब इसका रीजन क्या है बाद में देखते हैं, लेकिन उससे पहले साथ साथ में हमारी हॉबी का जो आपका कैटेगरी है, राइट, उसके ऊपर आपके आपका तो इंटरेस्ट है, क्या लोगों का इंटरेस्ट है क्या, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं जाना तो डेफिनेटली हम जो है इसके अंदर फेल हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये सारी चीजों को नहीं समझेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। हम तो अपना 100% देंगे क्योंकि हमारी हॉबी है, मुझे वो टॉपिक सबसे अच्छा लगता है, राइट। लेकिन लोग ही सर्च नहीं कर रहे हैं, उस पर कोई ट्रैफिक ही नहीं है, तो फिर हमारी उस मेहनत का भी कोई फायदा नहीं होगा। इसको कैसे चेक करना है तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और वहीं चल के देखते हैं कि किस तरह से आपको जो है कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, और वो भी वो कैटेगरी जिसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट भी हो और साथ ही साथ जो है हम जो पब्लिक है जिसके लिए हम कर रहे हैं, अर्निंग के लिए कर रहे हैं, तो उस पे से जरिए हमें अर्निंग भी होनी चाहिए। और अर्निंग तब होगी जब लोग उसके ऊपर जो है सर्च करेंगे, लोग हमारी वेबसाइट हमारे ब्लॉग तक पहुंचेंगे, तब जाकर हमें अर्निंग्स होने वाली है, राइट। तो ऐसे में जो है हमें रिसर्च करना, बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगा कैसे रिसर्च करना, चलिए लैपटॉप स्क्रीन पे। सो गाइस हम आ गए लैपटॉप स्क्रीन पे और यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, सीधा यहां पर लिखना है trends.google.com। तो trends.google.com पे जाएंगे तो जैसे ही आप यहां पर ये वेबसाइट आपके सामने ओपन होती है तो यहां पर जो है अभी आपको सबसे पहले ये जानना है कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। तो अगर आपका टारगेट ऑडियंस जो है वो इंडिया के अंदर है तो यहां पर आपको सेलेक्ट कोई भी टॉपिक को सर्च करने से पहले यहां पर आपकी कंट्री चेंज कर लेनी है। कंट्री के अंदर हमें इंडिया चाहिए है तो हम यहां पे इंडिया को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमने इंडिया कर लिया, टारगेट ऑडियंस हमारी अभी इंडिया की है। तो यहां पर जो है आपको टॉपिक सर्च करना है, से फॉर एग्जांपल मुझे जो है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जो है ज्यादा अच्छा लगता है तो मैं यहां पर डिजिटल मार्केटिंग को जो है सर्च करता हूं। और डिजिटल मार्केटिंग को जैसे मैंने यहाँ पे सर्च करा तो यहाँ पर आप देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग में पिछले 12 महीने के अंदर जो आपका ट्रैफिक रेट रहा है वो कांस्टेंट रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ही उठा है। अगर एक साल पहले की बात करें तो ऊपर ही उठा है, नीचे नहीं गया है। और आज की अगर बात करें तो यहाँ पर 97 जो है यहाँ पे आप देखते हैं इसको जो है पॉइंट्स मिले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, राइट, जैसे हम कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 73 हो गया, फिर यहाँ पे 71 हो गया, 60 गया, 60, 73, 81, 86, 87, 89, तो इसी तरह से जो है यानी कि इसका जो आपका ऑडियंस है वो काफी ज्यादा इसको सर्च करता है तो आपको कांस्टेंट यहाँ पर ट्रैफिक मिलता रहेगा। लेकिन आपको यहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है फिर क्या करोगे, इसके ऊपर आपको काम भी करोगे तो हार्डली आप एक या दो महीने करोगे उसके बाद आप छोड़ दोगे। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा कोई कीवर्ड करना है तो हम इसको रिमूव कर देते हैं ये वाले कीवर्ड को और यहां पर हम कोई दूसरा सर्च करते हैं। दूसरा सर्च करने के लिए से मुझे जो है बाइक्स के बारे में जो है रिव्यू करना अच्छा लगता है तो मैं यहां पर लिखता हूं बाइक्स रिव्यू, राइट, बाइक रिव्यूज करता हूं तो मैं यहां पे बाइक रिव्यूज की देखता हूं। तो ये बाइक रिव्यूज के अंदर अब आप देख सकते हैं पिछले 12 महीने के अंदर जो है यहां पे कभी कम आ रहा है, कभी 100% जा रहा है, कभी बहुत ऊपर जा रहा है, कभी फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है।
यहां पर आपका काफी ऊपर गया है राइट फरवरी के अंदर, लेकिन उसके बाद मार्च के अंदर जो है और अप्रैल के अंदर यहां पे आप देखते हो बिल्कुल नीचे आ गया राइट। क्यों आया नीचे? क्योंकि अभी जो है यहां पर डेफिनेटली ये पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक पे इफेक्ट आया, तो यहां पर भी आना था, तो ये उसकी वजह से आया जो अभी COVID-19 की वजह से यहां पे इफेक्ट देखने को मिला। बट अदरवाइज अगर हम ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल के अंदर जो है हमारा यहाँ पे करीब 50% से अबव ही हमें जो है यहाँ पे देखने को मिलता है राइट। 50% से ज्यादा यानी कि हम इसके ऊपर भी जो है टॉपिक अगर इसको बाइक रिव्यूज के लिए अगर हम निश सेलेक्ट करते हैं तो भी हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। एक और यहाँ पे मैं आपको रिसर्च करके देखते हैं, यहाँ पे से फॉर एग्जांपल आपको वेब डिजाइनिंग के अंदर काफी अच्छा लगता है राइट। तो मैं यहाँ पे वेब डिजाइनिंग जो है चेक करता हूँ, वेब डिजाइनिंग के अंदर क्या है। तो वेब डिजाइनिंग में भी आप देखते हैं यहाँ पे पूरा 70, 80, 90, 90, 90, 80, 100 बीच में जा रहा, फिर यहाँ पे 51 आ गया 51 से, फिर ऊपर 70, 70, 70, 68, 78 और वापस 76 जो है। आज 6 जून है और 6 जून को जो है आप देखते हैं यहाँ पे 76 जो है इसको पॉइंट्स मिले हैं। तो यानी कि वेब डिजाइनिंग के ऊपर में भी जो है काफी अच्छा एक स्कोप है, हम ऐसे टॉपिक्स को सेलेक्ट करें जिसमें हमारा भी जो है बिल्कुल उसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, ताकि हम लॉन्ग टर्म जो है उस पर काम कर सकें और साथ ही साथ लोग जो हैं उसके ऊपर सर्च करते हों, उस पर ट्रैफिक आता हो, तभी जो है हमारे लिए बेनिफिशियल है, अदरवाइज हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। सो आई एम श्योर गाइज आप लोगों को जो है ब्लॉगिंग के लिए किस तरह से टॉपिक को सर्च करना है यानी कि निश को सर्च करना है बहुत ही सिंपल तरीके से बताया, वरना बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके बताते हैं, तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है बता दिया है। और यहां पर जो है मैं आप लोगों को बताऊं कि आपको मैं बहुत ही जल्द एक जो है बहुत ज्यादा यानी कि 50+ आइडियाज की एक बुक देने वाला हूं ठीक है। तो अगर आप वो बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले सेशन के अंदर मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन पहुंच जाए, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है एक लिंक दिया गया न्यूज़लेटर का, आपको सीधा उस पर क्लिक करना है। और आप जो अगर ब्लॉगिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, वेब डेवलपमेंट के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, तो यानी कि कुल मिला के अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप जो है इंटरेस्ट रखते हैं तो आप उस न्यूज़लेटर को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि आप लोगों को जो भी वीडियोज आए उसके नोटिफिकेशन आप तक आ जाए, और साथ ही साथ जो भी मैं फ्री स्टफ आप लोगों को बहुत सारे देने वाला हूं तो वो भी जो है आपके ईमेल तक, आपके ईमेल के अंदर जो है पहुंचाया जाए, आपके इनबॉक्स तक पहुंचाया जा सके, ताकि आप जो है सिंपली अगर कहीं पे आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से ना आए तो आप तो भी आपको जो है उन सारे सोर्सेस का पता चल सके। आई एम श्योर की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचते रहें। Till then, stay safe.